वो चाहता है कि 90 करोड़ लोग रोज नई मांग करें ऐसी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और सड़कों पे निकल पे करें, पूरी दुनिया देखे कि भारत के 90 करोड़ चाहते क्या है। कि हमने इसी भारत के अंदर सब कुछ देखा, इतने जघन्य अपराध पार्लियामेंट में हुए, उसके बाहर हुए, तब भी आप जिस दिन सनातनी बने तब प्रधानमंत्री के ऊपर भी यह दबाव हो गया कि 90 करोड़ लोगों ने मुझे राष्ट्र निर्माण के लिए भेजा है। और उसी के कारण भगवान राम के मंदिर की जब नींव रखी जा रही थी तो प्रधानमंत्री भारत का था, लेकिन वो दंडवत प्रणाम राम मनचंद्र जी के सामने लेटा हुआ था। उसके कपड़े भी भगवा थे, उसको कोई शर्म, उसने नहीं कहा कि मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं, संविधान वही था, प्रधानमंत्री का पद वही था। वो तो पशुपतिनाथ में भी 8 घंटे पूजा करके निकला, वो तो केदारनाथ में भी जाके बैठा। वो ये किसी को नहीं बता रहा है, उसको ट्रंप को नहीं मैसेज देना है, उसे मुझे और आपके सनातनियों को दे रहा है। जब मैं प्रधानमंत्री की पोजीशन में ये कर सकता हूं तो तुम क्या करते हो यार, तुमको किससे पढ़ना लेना है, आपको किसका इंसान है। उस पद पे बैठ के आपके लाल किले से हिंदू राष्ट्र की मैं घोषणा करता हूं, यह नहीं हो सकता। 90 करोड़ लोग एक बार हिंदू होने के तो अपना परिचय दें कि हम हिंदू हैं। हिंदू होने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने दीपावली मनाई और होली मनाई। हिंदू होने का अर्थ होता है आपने सनातनी होते हुए किया क्या। और मैं दुर्भाग्य मानता हूं कभी कभी, हम और आप में से भी अगर उस पद पे कोई बैठा होता, उस मनोदशा को समझिए, क्योंकि ये बातें करने से आपको लगता है कि नहीं, आप समझिए, अपने आप को उस पोजीशन पर रखिए और सोचिए कि यार 90 करोड़ लोगों के लिए मैं भी अपना समय पार करके चला जाता, इतिहास में बहुत लोगों का नाम है, उसका भी नाम लिख जाता, लेकिन वो जिस मनोदशा में काम कर रहा है उसमें वो ये चाहता है, वो चाहता है कि 90 करोड़ लोग रोज नई मांग करें ऐसी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और सड़कों पे निकल पे करें, पूरी दुनिया देखे कि भारत के 90 करोड़ चाहते क्या है। घर में लेट करके चाहने से कुछ नहीं होगा। आपने दबाव बनाया, इसीलिए अयोध्या भी हुई और अब काशी भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। वो अपनों से चाहता है कि मेरे लिए चिल्लाओ सड़कों पे खड़े होकर के, मांग तो करो कम से कम। जो लोग नाजायज बातों की मांगे कर रहे हैं वो दबाव में ले रहे हैं, आप जायज मांग तो करिए, आप पे लाठी चार्ज नहीं होगा। क्या नहीं लगता आपको? उसको दुनिया के हजारों लाखों लोगों, संस्थाओं, संगठनों के सामने कहां कहां क्या क्या करना होता होगा, इसलिए वो चाहता है कि इस देश में अगर 90 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ सनातनी 1 महीने का व्रत रख करके दिल्ली में बैठ जाएं, जितने कानून बने हैं 24 घंटे में निरस्त हो जाएंगे। अपने ऊपर थोड़ा एहसास कर लिए, सरकार बनाइए, सरकार पे दबाव डालिए, उसे डराइए, गिराइए मत। ये जो हमें बीमारी होती है कि देखिए हमारा काम नहीं, इन्हें हटा देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उन्हें लाएंगे जो आलू से सोना बना रहे हैं, किन्हें लाएंगे, उनके पोस्टर लगे थे जब मैं आपके शहर में आया, अब वो